सेम केबल नेटवर्क की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सैयद आमिर ममनून पूर्व पार्षद अध्यक्ष मुस्लिम त्योहार कमेटी अब्दुल्लागंज की ओर से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। KKNDG की ओर से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सैयद उमर ममनून सैम होमियो क्लिनिक की ओर से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सना आमिर ममनून पार्षद बाट क्रमांक 5 महिला मोर्चा मंडल महामंत्री की ओर से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सैयद आमिर ममनून कमलेश नरवरिया इंग्लिश यादव आरती यादव पूर्व पार्षद बाट क्रमांक 12 अनस मुस्तफा सोनू चौक से मंगल सिंह राणा हासिफ नवीद खान बबलू तेकाम सैयद उमर ममनून मोहित विनोद वर्मा आकाश कहार कुणाल मीना मनोज जोशी मनोज नामदेव अशोक मांझी राजा सिद्दीकी फरहान खान नरेंद्र कहार सन्नी चंचल संदीप माहेश्वरी राजकुमार विष्णु शर्मा अब्दुल नईम नमन लोधी राकेश यादव और अट्टू पटेल की ओर से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रखूंगा मैं सासम्मान हमारे बीच करूंगा हमारे पटेल कमल सिंह जी उनको सागर मंच के ऊपर लेके आए। दूसरे दूर दराज तक जिनके रचनाओं की कद्र होती थी आज भी इस रचनाकार की रचना सुनने पर ऐसा लगता है मानो ताल पर गने में कोई आएंगे। आदरणीय भाई राजेश पटेल जी कमल सिंह जी को लेके आए। आज पकड़ लेने भैया पटेल साहब काल परगने के भजन प्रतियों के नाम दूर दूर तक ले गए। हम ऐसे बेस्ट जनों को हमने आपके बीच में लेके आए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ निवेदन करता हूँ सावनय उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आज के भजन प्रतियोगिता का हम शुभारंभ करें तो उनके आशीष से करें उनके आशीर्वाद से करें। हम उनको आगे रखकर इस भजन प्रतियोगिता का सर सिंह जी दुबटिया दोनों से मेरी प्रार्थना है कि वह आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के पूर्व दीप प्रज्वलित करें। आदरणीय गुलाब सिंह जी पटेल भीबटिया आदरणीय कमल सिंह जी चौहान दामोद एक बार बिगड़ तेजी से देर तक तालियां बजना चाहिए देर तक जितनी ज्यादा गहरी और जितनी तालियां होंगी ये भजन प्रतियोगिता उतनी लंबी चलेगी इतनी आकर्षित होगी और इतनी प्रसिद्ध होगी कि संभवतः कुछ दिनों के लिए ये इतिहास बनेगी। दोस्तों इतनी लंबी तालियां भी बजती रहना चाहिए। हमारे बीच में दीप प्रज्वलित किया हमारे दोनों महान हस्तियां भजन प्रतियोगिता क्षेत्र की महान हस्तियों ने दीप प्रज्वलित किया। मैं आदरणीय सक्सेना जी से आग्रह करूंगा हमारे दोनों महान हस्तियों को सोफा अर्पित करते हुए सोफा उनको बांधते हुए एवं नरियल प्रदान करते हुए उनका सम्मान भी करें फिर उनको अपने समय की कुछ चीजों में उद्धृत कराते हैं उनसे भी आग्रह है। साथियों इस कार्यक्रम का शुभारंभ लगे शुभ है ऐसे कार्यक्रम हमारे बीच में देखे ऐसे महान हस्तियां हैं जो इस कार्यक्रम को आज आरंभ करने जा रहे हैं और उनको उद्गीत करते हुए जैसे मैं कह रहा हूँ उनको याद दिलाते हुए कुछ पंक्तियां उनसे बोलने के लिए भी 2 मिनट लूंगा एक एक मिनट डेढ़ मिनट हम दोनों ही रचनाकारों को दोनों ही कलाकारों को देंगे और मैं उनको याद दिलाऊंगा उनके जमाने पे आप क्या किन चीजों से मासूर थे किन रचनाओं के कारण आप मासूर थे ऐसी चीजें उनको याद दिलाऊंगा क्योंकि मैं बाल्य कलाकार था तभी कलाकारों को मैं सुना करता था मैं इनसे कुछ सीखता था ऐसे महान कलाकार हैं मैंने इनको अपने बचपन में इस अच्छी स्टेजों पर देखा है अच्छे भजन प्रतियोगिता में देखा है या राम सत्ता में देखा है और उस जमाने में दह राम सत्ता का जमाना था जहाँ एक मंडल को 1 से लेकर 7 घंटा मिलता था और एक भजन की रचना 1 से 7 घंटा चलती थी और 5 से लेकर 6 धनों में वो धन जो कथा एक कथा गाया करते थे। हमारी समिति के सम्मानित सदस्य हमारे बीच में दोनों कलाकार
उपस्थित हैं, हमें भी बहुत गर्व हो रहा है ऐसी महान हस्तियों को जिन लोगों ने सजेस्ट किया, जिन लोगों ने हमें परामर्श दिया है, उनको हम यह मंच तक लेके आए हैं। हमारा भी सीना चौड़ा हो रहा है, हमें भी गौरव महसूस हो रहा है। ये हमारे आदर्श पुरुष रहे हैं इस भजन प्रतियोगिता क्षेत्र के गायक कलाकारों के लिए, रचनाकारों के लिए वे आदर्श पुरुष रहे हैं। ऐसे आदर्श पुरुषों का हमें सम्मान करने में गौरवान्वित महसूस हो रहा है। ऐसे हमारे दानों ही कलाकार जिन लोगों ने इस भोपाल क्षेत्र का अर्थात भोपाली का अर्थात यू कहूं कि टांग पर देने का डेढ़ दशक तक अर्थात 15 सालों तक नाम दूर दूर तक ले जाए गए। आज भी हमारे दोनों कलाकारों को बहुत सारे लोग रचना लेने आते हैं, हमें कुछ रचना कर दो भाई साहब, हमें वो बदली हुए कुछ रचना दे दो। तो ऐसे हमारे महान कलाकार कोई इनको इनके विषय में बताओ तब कभी कोई कहीं लोगों को समझ में आता है। बट हमारे क्षेत्र में और हम लोगों ने कोशिश की। हमारे साथियों का कहना है, हमारी समिति का कहना है कि दोनों ही कलाकारों को मैं उनकी रचनाओं का स्मरण करा दो और एक एक दो दो लाइन उनसे आज भी सुन लो, अच्छा लगेगा ना आपको। तो मैं सबसे पहले आदरणीय गुलाब सिंह जी पटेल साहब से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जमाने में आप इतने अच्छे आवाज के मास्टर थे, इतनी सुरीली आवाज थी, आपके समय में दो ही भजन मंडल जो सुरीले थे जिनकी आवाज प्रसिद्ध थी, ऐसा भजन मंडल एक तो SPM होता था बालकृष्ण मंडल अर्थात दुबजी का मंडल, ये हमारे परगने में आदरणीय गुलाब सिंह जी पटेल की आवाज, और ये दोनों की आवाज के साथ एक तर्ज बड़ी फेमस थी। मैं पटेल साहब को उद्भुत कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ और मैं सुनूंगा उनसे दो लाइन।
ठिकानी मन में बसी है तोरे कोविजा कुवलिया चलिया ओ मोहिना। अरे हो दीवानी हुई जाती मादेश्वरी राधा का प्रह। एक बार और आपका तालियों से। माने पटेल साहब आपको एक अपनी रचना अर्थात राधा विरह भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण का वृंदावन छोड़कर बाहर जाना और राधा जी का विरह करना, ये अपनी कथा वस्तु अपने समय की रचना आपके बीच में रखी। पंख होते तो मैं उड़ जाती इस दिन पर, और मैं आदरणीय कमल सिंह जी चौहान को विनम्रता के साथ स्मरण कराना चाहता हूँ। अपनी रचना में दूसरे शादी करके द्वार पे आते हैं और उस समय रानी सुनी, मैं याद दिला दो पूरा फिर मैं जैसे, उस समय आपकी रचना के कुछ दो पंक्तियां आपको सुना दूं। शायद हमारे रचनाकार महोदय वो आपको, मैं समझता हूँ समझ सकती है, अच्छी अच्छी जमीन सुनाएंगे, उनको स्मरण कर रहा हूँ। खरीदार पर रानी सुरुचि महाक्रोध कर बोली, मैं नाथ बोल रखो घर राजन वापस कर दे बोली मेरी। फजीत ऐसे रचनाकार, आजकल कोई रचनाकार फजीती और सुनूती जैसी रचना अर्थात तख्तों शब्दों की तुकबंदी नहीं मिला सकता। इतनी चयन करते थे साहित्य तक शब्दों का। एक चीज और कहना चाहूंगा, आदरणीय कमल सिंह जी उस समय बहुत कम शिक्षित थे, एक कम शिक्षित होने के नाते उनकी रचनाओं में एक हिंदी साहित्य की कसक, हिंदी साहित्य के अलंकृत शब्द मिलते थे, सजे हुए शब्द मिलते थे, चुने हुए शब्द मिलते थे, उसमें कहीं उर्दू मिक्स नहीं होता था, गांव की शब्दावली नहीं होती थी, इतनी अच्छी शब्दावली प्रयोग होती थी आज की रचना। मैं तो पहले इस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ कि वो देश धन्य जहाँ सुरसरी, वो देश को धन्यवाद है यहाँ गंगा रहती है, वो देश धन्य जहाँ सुरसरी, वो क्षेत्र धन्य जहाँ नहीं है के बूढ़े दल को कौन बांध बुझे। तो समिति की तरफ से ये फरमाश हुई है कि माता सुनीति श्री जी का आप पूरा आख्यान सुना दे, तो मैं कुछ शब्दों में सुनाऊं। वो सुनीति श्री जी इस ब्याह के आई तो द्वार के सामने अपनी जोड़ी खड़ी करवा देती है और क्या कहती है, कड़ी द्वार पर रानी सुरी की महाक्रोध कर बोली, अरे नहीं कदम धरूंगा जल मेरी बात से कर दो जोड़ी, घर में सोच है सुनीति मेरी बोल की पैदी की, सोच है सुनीति मेरी बोल की पैदी की, सुना है राजन ने सोच तुम्हारे घर में, हो किस्मत के तुम खूब जमाने भर में, मुझे दिल सोच की लगे जहर की बचल लगे डोली के, पहले करो महल से बाहर फिर उतरू डोली के, घर में सोच है सुनी की मेरी होल की पहली की, सोच है सुनी की मेरी होल की। दूसरे शब्द में क्या कहती है, अरे मुझे जो रखना चाहो राजन तो इतना इकरार करो, सोच तुम्हारी शकल न देखे सालों तक स्वीकार करो, फटे पुराने वस्त्र मिलाएंगे ये किसे जो खा दे, देकर हाथ बात में महलन का जोड़ा दे, घर में सोच है सुनीति मेरी हो लगी पैदी की, सोच है सुनीति मेरी हो लगी पैदी, सियावर रामचंद्र की।
सामान्य श्रोताजनों, विशिष्ट जनों, हमारी कार्य हमारी समिति के सदस्य जनों, हमने हमारे वरिष्ठ रचनाकारों स्वागत कर दे। हाँ आदर्श भजन मंडल का इनका स्वागत कर रहे हैं रंजू यादव जी, महेश कचोरी बिलगेरी, संजय सिंह जी, गुलाब चंद जी मास्का बिशनकला और चंद्रमोहन नारायण भैया। ये इसके बाद तैयार रहे राम जान की भजन मंडल सिंगल रेल महिला श्री तारा बालिका भजन मंडल जोंद्रा और श्रद्धा भजन मंडल बंगलसिया भोपाल। ये तैयार रहे, मंडल का समय रहेगा 15 मिनट और इसमें कोई समिति ने ऐसा कोई आपको बंधन नहीं रखा, खुला है। जो आपको अच्छी से अच्छी रचना है सुनाना है, 15 मिनट में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करना है जो दर्शकों को पसंद आए। धन्यवाद।